आकाश भाई आपसे आपसे भी जानना चाहूंगा, क्योंकि बार बार बात तो ये हो रही है लगातार कि लखनऊ में बड़ा स्पिनिंग ट्रैक है, बहुत ही ज्यादा यहाँ पर आईपीएल मैचेस के हिसाब से बात, बगैर घूमे अगर वो नंबर 8 पे बात ना आए तो आकाश भाई भी ऐसे बुरा मान जाते, उस पर आ ही जाए एक आदमी डिस्कशन हो जाए। लेकिन मैं लखनऊ की पिच के बारे में जो बार बार बात हो रही है कि स्पिनिंग ट्रैक हो सकता है, ये हम आईपीएल के मैचेस की तरफ देखकर बात कर रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप में जब हमने लखनऊ में मैचेस देखे हैं तो 260-280 का तो अच्छे खासा स्कोर गया है। पहली बात तो ना कि ये थोड़ा सा हमारा है कि हमें जो आईपीएल में हमने देखा, आईपीएल में बॉल टर्न हो रही थी, लेकिन ये लखनऊ का मैदान जिसके अंदर अगेन उस समय दो अलग अलग रंग की मिट्टी वाली पिचेस थी। काली मिट्टी की पिच जहां पे कृणाल पंड्या गेंदबाजी कर रहे थे, लग रहा था बिशन पाजी कर रहे हैं, वो इतनी टर्न हो रही थी बॉल। लेकिन जैसी लाल मिट्टी वाली पिच पे जाते थे तो वहां पे मार्कवुड 5 विकेट लेकर गया दिल्ली फ्रेंचाइज के सामने। तो अब जो है उसके बाद टूर्नामेंट खत्म हुआ, पूरी पिच को रिले किया गया, मुंबई से मिट्टी मंगाई गई और लाल रंग की मिट्टी वाली पिच यहां बनाई गई है। अब लाल रंग की मिट्टी वाली पिच पे बॉल टर्न होता है, ये सच है, लेकिन यहाँ ना पेस और बाउंस भी होता है। और जो यहाँ पे एक वर्ल्ड कप का जो मैच हुआ है वो साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ था, एक श्रीलंका वाला भी हुआ है, पर ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका वाला मैच जो क्योंकि वो रात वाला मैच था उसमें बाद में ड्यू आई थी यार, और पहली बैटिंग करते हुए रन बने थे, बाद में ड्यू आई थी, लेकिन वो तो खैर फास्ट बॉलिंग में मार्को यानसन ने शुरू में उड़ा दिया तो ऑस्ट्रेलिया कम्पीट ही नहीं कर पाई थी उस मैच में, वरना वहां पे ड्यू का मसला आ सकता है। तो आप चाह सकते हो कि ऑस्पिनर खिलाओ, क्योंकि लखनऊ और अहमदाबाद दो और चेन्नई 3 बड़े ग्राउंड है जहां पे साइड बाउंड्रीज काफी बड़ी हैं, पर अगर कहीं बाद में गेंदबाजी आई, क्योंकि टॉस आपके हाथ में नहीं है, अगर बाद में गेंदबाजी आई और बॉल हो गई गीली, इसमें से एक आपके पास लेग स्पिनर है, दो आप फिंगर स्पिनर्स के साथ खेल रहे हो, छठा आपके पास गेंदबाज नहीं है, नहीं मैं कंफर्टेबल नहीं हूं उस थॉट से। इवन दो सामने इंग्लैंड हो तो आप कहते हो चल स्पिन खिला लूं, ऑस्ट्रेलिया है चल स्पिन खिला लूं जैसा हमने चेन्नई में किया, पर यहां पर ड्यू is a big issue और हार्दिक नहीं है तो तीसरा मेरे पास फास्ट बॉलिंग का विकल्प भी नहीं है। तो अगर कहीं चीजें फंसी तो कहां जाऊंगा, तो पर्सनली मैं तो कहूंगा सेम टीम के साथ खेल जाओ, टॉस जीत के फिर एक बार बॉलिंग कर लो और बाद में चेज कर लो, क्योंकि यहां आएगा ड्यू। और इंग्लैंड की बॉलिंग ना ऑनेस्टली, इंग्लैंड अनलेस वो 350-400 बना दे, इंग्लैंड की बॉलिंग में दम नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इंग्लैंड की बॉलिंग में दम नहीं है। और इंग्लैंड के सामने टीम इंडिया क्या प्लेइंग 11 खिलाएगी ये हमें थोड़ी देर में पता चल जाएगा, क्योंकि थोड़ी देर में टॉस होने वाला है। लेकिन अभी के लिए चलते हैं हम हमारी सहयोगी किरण के पास, क्योंकि बड़ा मसला जहां पर किरण एक बड़ी स्टोरी हमें बता रही है कि पाकिस्तान की टीम में भी बड़े मसले चल रहे हैं। किरण, यहां पर लखनऊ में जो मैच हो रहा है उस पर तो मैं थोड़ा सा बाद में आऊंगा, क्योंकि शोएब भाई भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यहां पर आपके पास क्या खबर है जो पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम से बिहाइंड द सीन्स आपके पास आ रही है वो जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, कल मेरी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में किसी से बात हो रही थी, किसी वरिष्ठ अधिकारी से, तो वहाँ ये बताया गया कि बाबर आजम को कप्तानी से हटाने की एक तरीके से प्लानिंग पीसीबी में की जा रही है। आपको याद होगा सरफराज अहमद जो कि पाकिस्तान के पूर्व कप्तान रहे हैं, उन्होंने अभी कैद आजम ट्रॉफी जिताई है कराची वाइट्स को, तो उसके बाद उनकी मुलाकात हुई थी जीत के बाद डका अशरफ साहब से, तो उसके बाद तमाम तैयार पाकिस्तान में लग रहे हैं, क्योंकि इस वर्ल्ड कप के तुरंत बाद टेस्ट सीरीज़ है पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की, तो कहा यह जा रहा है और माना यह जा रहा है कि एक तरीके से अल्टीमेटम बाबर को दे दिया गया है कि आगे आने वाले मैचेस में अगर परफॉर्मेंस नहीं सुधरी तो फिर पहले सबसे पहले टेस्ट कप्तानी उनसे छीनी जाएगी और सरफराज अहमद को पाकिस्तान टेस्ट टीम का कप्तान बनाया जा सकता है। और आपको याद भी होगा अफगानिस्तान के मैच के बाद एक प्रेस रिलीज पीसीबी ने जारी की थी टूर्नामेंट के बीचों बीच, और उस प्रेस रिलीज में पहले तो कहा गया था कि आप टीम को सपोर्ट कीजिए, लेकिन बीच में एक लाइन ऐड की गई थी जिसमें लिखा था कि बाबर आजम को टीम चुनने की पूरी आज़ादी दी गई है, तो एक तरीके से इशारा किया गया था कि जो भी आप परफॉर्मेंस देख रहे हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं अगर आप जिम्मेदार किसी को ठहराए तो बाबर आजम को हुई इसका जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। एक तरीके से मैं कहूंगी कि ठीकरा जो है वहां पर फोड़ा जा रहा है। और दूसरी तरफ राशिद लतीफ पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर है, वो आकर टीवी पर एक क्लेम कर रहे हैं कि ज़का अशरफ जो है वो कॉल्स पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं बाबर आजम के, ना मैसेज का जवाब दे रहे हैं, और पाकिस्तान क्रिकेटर्स को, पाकिस्तान टीम के क्रिकेटर्स को 5 महीने से सैलरीज नहीं मिली है। तो ये बड़े मुद्दे हैं जो पाकिस्तान में अभी चल रहे हैं, जो परफॉर्मेंस है वो हमको दिख रही है लेकिन मैदान के बाहर ये सारी चीज़ें हैं जो चल रही हैं, और इस वजह से इस वक्त कहे कल जो जुर्माना भी लग गया पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर, तो यहाँ पूरे तरीके से प्रेशर में है बाबर की टीम। बिल्कुल जी, बिल्कुल, थैंक यू किरण जी ये बात बताने के लिए। अब शोएब भाई से इस पर रिएक्शन लेते हैं। शोएब भाई, ये जो बातें चल रही हैं, ये जो पाकिस्तान से के जो मतलब जो पर्दे के पीछे से जितनी सारी बातें सुनने में आ रही हैं,
इस टाइम पर इस क्रिकेट टीम का मोराल किस तरीके से हाई किया जाए? हमने बात करी कि पाकिस्तान बाहर हो गया है, मैथमेटिकली अभी भी बाहर नहीं हुआ है, ऑल दो बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चाहिए होंगे, लेकिन क्या ये चीजें सही हैं? क्या अभी तक प्लेयर्स को सैलरी नहीं मिली? क्या पर्दे के पीछे बहुत सारी पॉलिटिक्स हो रही है? तो इन लड़कों से कैसे उम्मीद करें अच्छी परफॉर्मेंस? जहां एक तरफ कह रहे हैं कि आप टीम को सपोर्ट करो, वहीं दूसरी तरफ ब्लेम पहले ही शिफ्ट कर दिया, अपना पल्ला झाड़ लिया कि टीम की जो भी परफॉर्मेंस हो रही है उससे पीसीबी ने। आपका क्या रिएक्शन है इस पर? आप गुड बॉय की तरह आंसर दूं या दूसरा वाला आंसर? भाई दोनों तरीके से भाई, आप तो मतलब वो तो बैड बॉय वाली इमेज जो है वो ज्यादा बढ़िया है ना? नहीं नहीं, बैड बॉय नहीं था, मैं अच्छा बॉय था भाई। एक इन स्विंग हो जाए, एक आउट स्विंग हो जाए। इज्जत के साथ रिटायर हुआ हूं, इज्जत के साथ रिटायर हुआ हूं यार। गुड बॉय आंसर ये यार के देखो, इन बातों पे कानी धरना चाहिए आपको। आप अपनी मेहनत कीजिए, मैच जाके जीतिए, कोई ऐसा मसला नहीं। बातें होती रहती हैं, आप वर्ल्ड कप में हारते जीते रहते हैं। हमने भी कोई मेरे हाल में 10 वर्ल्ड कप खेले हैं, कुछ जीता एक भी नहीं हमने, 92 के अलावा एक T20 का जीता। तो ये बातें होती रहती हैं यार, ये चलता रहता है। वो क्या कहते हैं DDLJ में, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। लेकिन अब दूसरा आंसर ये है जी, जो मेरे वाला है, कौन सा बोर्ड किसको कप्तान लगाएगा? बोर्ड बचेगा तो कप्तान लगाएगा ना। तो पहले तो अपनी फिक्र करें। तो ये मैं आपको कई दिनों से कह रहा हूं, बिल्कुल यहां पर तो जो पीसीबी है वो ही बाकी ये है, जरूर ये है कि बात ज्यादा है जी जी। हाँ, दूसरा बाबर की कप्तानी पे सवाल बहुत है। वो अग्रेसिव कप्तान नहीं है, उसकी बॉलिंग चेंजेस में रन ऑफ द मिल चीजें होती हैं, वो बाबर का कसूर नहीं है। बाबर कप्तान किसने लगवाया देखना पड़ेगा। देखें मुल्क का मैं ये हमेशा कहता हूं यार, देखो जो कर रहा होता ना वो बुरा नहीं होता, जो उसको लाया होता वो बुरा होता है, क्योंकि उसके पास विजन नहीं होता। तो अब भी बाबर के पीछे पड़ गए। हाँ ये बात ठीक है, बाबर के आने वाले वक्तों में प्रेशर बहुत पड़ेगा, उसको T20 में भी जगह कप्तानी समेत T20 में जगह बनानी पड़ेगी। वनडे में 4 नंबर पे आके पूरा मैच खत्म करना पड़ेगा, वो जगह बचानी पड़ेगी, क्योंकि क्रिटिसिज्म उस पर बहुत ज्यादा हो रहा है जी। कप्तान भाईजान कप्तान को जवाब देना पड़ेगा, सिंपल। ठीक है, नवाज वो शामा बॉलिंग कर सकता है, क्यों नहीं करा है? नवाज मेरे भाई, कैसी दोस्ती है कि तुझसे ओवर करवाना ही कराना, हमने 3-4 साल से तुमसे मैच करवाए हैं, तो हमने आज भी करवाना था। लेकिन दिस इज लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू नो गोज अगेंस्ट बाबर, राइट जी। हम मैच हारते तो हमारे खिलाफ ना सीधी सीधी इंक्वायरियां होती थी, हमें बुला के इंक्वायरियां होती थी। आज के कहते हैं ओए हमें सपोर्ट करो हमारे यहाँ। तो मैंने कहा यार अजीब जमाना आ गया। 2003 में ड्रॉप हुआ मैं सीधा ऐसे ड्रॉप हुआ इंडिया से मैच आ रहे हैं, उन्होंने कहा बाहर निकलो। तो अगेन यार लॉट ऑफ ट्रबल्स, लॉट ऑफ स्पेकुलेशन, लॉट ऑफ क्रिकेटर्स आर सेइंग लॉट ऑफ थिंग्स। यार प्लीज इस वक्त ये बातें ना करो, टेक्स्ट मैसेज कर रहा है तो वो जवाब नहीं दे रहा है, क्या मतलब आपका? अगर आपको पता चली गया तो आप क्या स्टिंग ऑपरेशन कर रहे हो? छोड़ दो यार, आप नहीं बोलो ना यार, आप नहीं बोलो, जितना कम कर सकते हो कर लो। हाँ ये बात ठीक है कि बोर्ड की स्टेबिलिटी, बोर्ड में स्टेबिलिटी नहीं है, लैक ऑफ लीडरशिप है। आई डोंट थिंक दैट आई कुड सी दिस बोर्ड कंटिन्यूइंग आफ्टर दिस वर्ल्ड कप। और उसमें से मुझे अभी भी लगता है कि बाबर को टेस्ट कैप्टन रहना चाहिए, उसको जाना चाहिए, इतनी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में चीजें चेंज नहीं करनी चाहिए। बाबर हो या सरफराज हो, कोई और भी ले हो, जा आप ऑस्ट्रेलिया रहे, रिजल्ट आपको पता ही होंगे जी। तो बाकी इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो आई थिंक इट्स अननेसेसरी क्योसिक क्रायोटिक सिचुएशन मचा के पाकिस्तान टीम जो आ गई मरी पड़ी हुई है, तो उसको आप बिल्कुल ही फर्क कर रहे हैं मेंटली। तो मैं आई कैन अश्योर यू कि इस वक्त माहौल बहुत ही डिमोरलाइज्ड हुआ है। बिल्कुल श्योर भाई, लेकिन बीच में एक बात ये भी आई थी कुछ टाइम पहले के प्लेयर्स के जो कॉन्ट्रैक्ट्स है पाकिस्तान में उनको इम्प्रूव करा गया है और पैसे बढ़ाए गए हैं। दूसरी तरफ ये सुनने में आ जाता है कि उनकी सैलरीज 5 महीने से नहीं मिल रही है, मतलब इसमें प्लेयर्स ऐसे में डीमोटिवेट तो होंगे ना फिर, आपको क्या लगता है? यार उसका जो टीवी राइट्स का कॉन्ट्रैक्ट है, देखें एक बात, मैं कभी गलत बात का साथ नहीं दूंगा, ठीक बात का हमेशा स्टैंड करूंगा, हमेशा स्टैंड करूंगा, जो बेचक उसका नुकसान हो जाए। टीवी राइट्स के उन्होंने पैसे मांगे थे वर्ल्ड कप से पहले, कोई टीवी राइट्स के पैसे में शेयर करने की ये बात हम 2000 में की और मुझे 6 मैचों का बैन लगा, तो मेरे तो बैन ऐसे चलते रहते थे ना। तो मैंने कहा यार लोग मुझे और शाहिद अफरीदी को देखने आते हैं, तो पैसे क्यों नहीं देते हो तुम टीवी राइट्स के? तो उन्होंने कहा टीवी राइट्स के पैसे, मैं कहता सर ये कॉमन प्रैक्टिस है, ये कॉमन प्रैक्टिस है, टीवी राइट्स के पैसे शेयर होते हैं 30%।
जो जो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं ग्राउंड में, जो कंटेंट बिल्ड कर रहे होते हैं, उसके ऊपर आप टीवी राइट्स देख के ले रहे होते हो। ये आप अपने प्रोग्राम में देख लो कि गेस्ट कौन है। सर ये गेस्ट ला रहा हूँ, ये स्पॉन्सर आप देते हो, आप स्टार स्पोर्ट्स से लेके पीसीबी तक लेके ये मैच बंदा खेल रहा है, ये स्पॉन्सर हम लाएंगे, इतनी हम एयर टाइम का हम इतना पैसा देंगे, ये खेल रहा है ये नहीं खेल रहा, स्पॉन्सर पूछता है यार, तो वो स्पॉन्सर आपको शेयर करना चाहिए, बात ठीक है। लेकिन हाँ, इन्होंने थोड़ी सी पाकिस्तान टीम के लड़कों ने थोड़ी सी हल्की भुल्की बदमाशी भी की, जिसपे पीसीबी अब नाराज है। अब वो अपने गिन गिन के बदले उतारेगा, लेकिन बट इट्स द रॉन्ग थिंग ऑफ डूइंग थिंग्स। मैनेजमेंट ऐसे नहीं बयान देती अपने सर से उतारने के लिए कि जी हमने इंजमाम को और बाबर को इख्तियार दे दिया था, उन्होंने टीम बनाई, हमारा कुछ लेना देना नहीं है। अब बेसिकली मुद्दा उन पर डाला जा रहा है जी। हाँ, इंजमाम को भी आंसरबल होना चाहिए, 2013 में भी वो चीफ सेक्रेटरी थे, 2019 में भी थे, माशाल्लाह 2023 में भी है, मैं 2033 में भी गारंटी करता हूँ इंशाल्लाह वो भी चीफ सेक्रेटरी होंगे। और होना भी चाहिए, होना भी चाहिए, और नो क्रिटिसिज्म। और जब तक मैंने भी वीडियो बनाई थी, जब तक कोई बंदा वेंटिलेटर पर नहीं चल जाता, बेशक 6-7 ट्यूबें निकाल के भी उसको आधी सांस आ भी रहे, उसको चेयरमैन बना दिया जाए, ये बात ठीक है। करते रहे आप, ये आप करते रहेंगे, आपकी टीम में कभी बेहतरी नहीं आएगी। जी जी बिल्कुल। तो चलिए पाकिस्तान की, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान के मतलब उनका खेल खराब हुआ है, उनके रिजल्ट्स खराब हुए हैं, बहुत सारी चीजें उनके इर्द गिर्द मतलब चलने लगी हैं, जितने भी फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं बहुत कुछ कह रहे हैं। इनफैक्ट उमर गुल ने भी एक स्टेटमेंट दिया कि शादाब की जो कंकशन हुई थी वो भी शायद इंसिनुएट करा था उमर गुल ने कि वो फेक कर रहे थे शायद, कुछ कह रहे थे। मुझे लगता है कि बड़ी सारी बातें, वो अचानक से बड़ी सारी बातें होने लग गई हैं। कह नहीं सकते यार, मैं कुछ कह नहीं सकता। जी जी यार, अब मैच हारोगे ना मेरी जान, मेरे भाई लोगों, तो सारा कुछ होगा आपके साथ। मैच हारोगे ना जी, सब कुछ होगा। बिल्कुल बिल्कुल। आप सिर्फ एक वो है जीत, अदरवाइज आप जो ही हारे तो भाई इंडिया पाकिस्तान में कुछ नहीं छोड़ा जाएगा आपके पल्ले। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए ये तो बातें होती रहेंगी, और जिस हम पाकिस्तान की इतनी बात कर रहे हैं, लेकिन वापस आ जाते हैं इंडिया और इंग्लैंड के मैच पर, क्योंकि थोड़ी ही देर में वहां पर टॉस होने वाला है लखनऊ के मैदान पर। जीन